हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स और कौन से स्टॉक्स हैं जो हम ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है जिसमें इसकी फर्स्ट सपोर्ट है 16,540 पे। उसके बाद जो सपोर्ट है वह 16,472 पे। इसमें जो रेजिस्टेंस है वह 16,575 पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देख सकते हैं निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट खुली थी, उसके बाद निफ्टी थोड़ी सी ऊपर गई, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। उसके बाद निफ्टी ने सारा दिन हायर हाइज एंड हायर लोज बनाए हैं, हायर हाइज एंड हायर लोज। यहाँ भी आप देख सकते हैं हायर हाइज एंड हायर लोज एक स्ट्रेंथ का साइन है। तो अगर हम ओवरऑल इसका ट्रेंड देखें तो वो एक अप ट्रेंड है, तो इसके अंदर जो हमारी प्रेफरेंस होगी वो लॉन्ग की होगी, इसके अंदर हम शॉर्ट नहीं करेंगे। तो कल एक पॉसिबिलिटी कि निफ्टी गैप डाउन खुल जाए, बेसिकली इस वाले जोन में खुल जाए और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे। तो कल अगर निफ्टी इस जोन में खुलती है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है 16,540 का, तो मैं वापस से रीटेस्ट होगा 16,540 का। उसके बाद जब निफ्टी ऊपर जानी शुरू होगी तब आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं अराउंड 16,546, और इसमें जो आपका टेक प्रॉफिट होगा होगा 16,571। और कल अगर निफ्टी इस वाले जोन में खुलती है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है 16,575 का, तो आपको वापस से रीटेस्ट जो होगा 16,575 का। उसके बाद जब निफ्टी ऊपर जानी शुरू होगी और इस पर्टिकुलर जोन के हाई को निकाल देगी, इसका हाई है 16,588, तो आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं अराउंड 16,591। और फ्रेंड्स, इसमें आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं 15 से 20 पॉइंट्स के साथ। तो फ्रेंड्स, इन लेवल्स को जरूर मार्क कर लीजिएगा अपने चार्ट्स के ऊपर और रीटेस्ट का जरूर ध्यान रखिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स हैं जो हम ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है जिसमें इसकी फर्स्ट सपोर्ट है 36,049, उसके बाद जो सपोर्ट है वह 35,883, और उसके बाद जो सपोर्ट है वह 35,714। इसमें जो रेजिस्टेंस है वह 36,254। तो फ्रेंड्स, आज आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी गैप डाउन खुली थी, उसके बाद बैंक निफ्टी थोड़ी सी ऊपर गई अपनी रेजिस्टेंस की तरफ, इसको ब्रेक नहीं कर पाई, उसके बाद वापस नीचे आ गई और सारे दिन एक रेंज के अंदर घूमती रही। तो इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं सारे दिन बैंक निफ्टी ने लोअर लोज और लोअर हाइज बनाए हैं, लोअर लोज और लोअर हाइज। यहाँ भी आप देख सकते हैं लोअर लोज और लोअर हाइज, ये एक वीकनेस का साइन है। तो कल एक पॉसिबिलिटी कि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दें, तो कल अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है तो मैं वापस से रीटेस्ट होगा 36,049 का। रीटेस्ट आप 1 मिनट चार्ट में भी देख सकते हैं। उसके बाद जब बैंक निफ्टी नीचे जानी शुरू होगी तब आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं अराउंड 36,024, और इसमें जो आपका टेक प्रॉफिट होगा वो होगा 35,910। तो फ्रेंड्स, इन लेवल्स को जरूर मार्क कर लीजिएगा अपने चार्ट्स के ऊपर और रीटेस्ट का जरूर ध्यान रखिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कल के लिए कौन से स्टॉक्स हैं जो हम ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये इंडिगो का 1 आवर चार्ट है जिसमें इसकी सपोर्ट है 1682 पे और इसकी रेजिस्टेंस है 1750 पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें अच्छी खासी करेक्शन आ गई है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये एक लो है, ये हायर लो है, ये लो उससे भी ऊपर है, इवन हायर लो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी आ गया, ब्रेकआउट का रीटेस्ट भी आ गया, जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ रीटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद देख सकते हैं प्राइस इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, तो उसको हम तब बाय करेंगे जब प्राइस जोन से ऊपर आ जाएगा, कंसोलिडेशन को निकाल देगा ऊपर की तरफ। इसके अंदर जो हमारा बाइंग प्राइस होगा होगा 1697 अराउंड यहाँ पे। इसमें जो टेक प्रॉफिट होगा होगा 1744 अराउंड यहाँ पे। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा होगा सपोर्ट के नीचे, इन स्विंग लॉस के नीचे, जो होगा 1635। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी ट्रेड है, ये देखते हैं कल के लिए हमारी नेक्स्ट ट्रेड कौन सी है। फ्रेंड्स, ये एजीज कैम का 1 आवर चार्ट है, इसके अंदर कल जो हम ट्रेड करेंगे वो एक ब्रेकआउट ट्रेड है। तो इसकी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 283 पे, उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो 298 पे। तो आप देख सकते हैं इसमें एक अच्छी खासी करेक्शन आ गई है, यहाँ पे ये एक लो बना है, दूसरा लो ये बना है, ये एक स्ट्रेंथ का साइन है। अगर हम इसको थोड़ा और ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्म हो गया, जो अगेन हमें ये बताता है कि एक रिवर्सल का साइन है। तो इसको हम तब बाय करेंगे जब ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट आ जाएगा। ब्रेकआउट का हमें रीटेस्ट होगा 283 का, रीटेस्ट आप 5 मिनट चार्ट में भी देख सकते हैं। उसके बाद जब प्राइस ऊपर जाना शुरू होगा तब आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके अंदर जो बाइंग प्राइस होगा होगा 286 अराउंड यहाँ पे। इसमें जो टेक प्रॉफिट होगा होगा 297 अराउंड यहाँ पे। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा होगा सपोर्ट के नीचे, इन स्विंग लॉस के नीचे, जो होगा 269 अराउंड यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ही अच्छी ट्रेड है, देखते हैं कल के लिए हमारी नेक्स्ट ट्रेड कौन सी है। फ्रेंड्स, ये VST इंडस्ट्रीज का 1 आवर चार्ट है जिसमें इसकी सपोर्ट है 3377 पे और इसकी रेजिस्टेंस है 3463 पे। तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छी खासी करेक्शन आ गई है, प्राइस ने काफ़ी टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। उसके अंदर यहाँ पे ऊपर की तरफ एक छोटा सा ब्रेकआउट भी आ गया, ब्रेकआउट का रीटेस्ट भी आ गया, यहाँ पे छोटे छोटे दो चीज बन रहे हैं, यहाँ पे काफी कंसोलिडेशन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं वॉल्यूम भी आनी शुरू हो गई है लास्ट के जोन में, तो विच मीन्स ये एक स्ट्रेंथ का साइन है। तो उसको हम तब बाय करेंगे जब प्राइस कंसोलिडेशन के ऊपर आ जाएगा। इसके अंदर जो हमारा बाइंग प्राइस होगा होगा 3392 अराउंड यहाँ पे। इसमें जो टेक प्रॉफिट होगा होगा 3457 अराउंड यहाँ पे। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा होगा सपोर्ट के नीचे, इन स्विंग लॉस के नीचे, जो होगा 3317। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ही अच्छी ट्रेड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और कल ड्यूरिंग द ट्रेड टाइम अगर इंट्राडे में कोई ट्रेड आती है तो उसको मैं डेफिनेटली अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप कोई भी ट्रेड मिस ना करें।
मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।